हेलो दोस्तों, चलिए हम आज आपको मसूर का तड़का बनाना सिखाते हैं। देखिए, ये हमारा मसूर है, ये हमारा मसूर है। मसूर को हमने 4-5 घंटा पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद हमने इसको कुकर में 2 सीटी लगा दिए, उबाल दिए। उबालने के बाद हम इसको कुकर में 5 मिनट तक ही रहने दिए। उसके बाद चलिए हम इसमें क्या क्या सामग्री लगता है उसका सामग्री दिखाए हम आपको। जैसे कि इसमें लगने वाले मसाले, इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मरीच का पाउडर, जीरा जीरा मरीच और जीरा मरीच मरीच। देखिए, हमारा इसमें है जीरा, धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, अदरक। हमने इसका पेस्ट बना लिया है, लहसुन अदरक मिर्ची और इसको और इसमें प्याज और थोड़ा लहसुन हमने छील लिए हैं, छिलका हटा लिए हैं। अब इन सबको हमको बारीक काट लेना है, प्याज टमाटर और ये लहसुन, लहसुन का छिलका हटा लेना। अभी तो हम आपको ऐसे छिलका सहित वाला दिखा रहे हैं, अभी हमको छिलका हटा लेना है। हमने इसका छिलका हटा के पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें मिर्ची, तेज पत्ता, अब इसका हमने बारीक काट के कढ़ाई में डाल दिए हैं। और इसमें नमक और हल्दी पाउडर डालना है। देखिए हम, और इसमें उतारने समय में धनिया का पत्ती डालना है। देखिए हमारा मसूर का तड़का बन के, हम पहले इसको, अभी तो मेरा मसूर का तड़का बन गया है। हम पहले इसमें कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल, प्याज, लहसुन और तेज पत्ता सब डाल लेंगे। उसके बाद हमको इनको भून लेना है। भूनने के बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। मसाला भी भुना जाए, आधा भुना ही रहा है, तब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी मेरा भुन जाए। धनिया पानी डाल दिए हैं। पानी डालने के बाद ये मसूर उबला हुआ डाल के 10 मिनट तक हमने इसमें छोड़ रखा था। देखिए हमारा मसूर का तड़का बन के तैयार है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।